हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ दही भिंडी मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, बिल्कुल ढाबे स्टाइल बन करके तैयार होगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा ये। आप इसे आप राइस, पूड़ी, पराठा किसी के साथ भी एकदम परफेक्ट जाती है और बहुत ही ज़्यादा फटाफट से बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 250 ग्राम भिंडी लिया है जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है। अब हम भिंडी के दोनों साइड्स को अच्छे से काट देंगे और बीच में एक चीरा लगा देंगे। मेरी भिंडी यहाँ पर छोटी छोटी है तो मैं यहाँ पर इसे कोई भी टुकड़ा नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी भिंडी थोड़ी बड़ी है तो आप इसे दो टुकड़ों या तीन टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटी भिंडी से बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनेगी। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे भिंडी को काट लिया है। अब हम एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हम भिंडी को इसमें डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, भिंडी को हमें यहाँ पे 40-50% तक ही कुक करना है। बस हमें यहाँ पर भिंडी को बिल्कुल इतना ही पकाना है। इसे हम एक बाउल में निकाल करके साइड रख देंगे। अब हम सेम पैन में 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 चुटकी हींग, 2 छोटी छोटी दालचीनी टुकड़ा, 7 से 8 काली मिर्च, 2 लौंग। अब हम इसे लो फ्लेम पर 30 सेकेंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबल स्पून लच्छे में कटा हुआ अदरक और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अब इसे भी हम लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर देंगे लाइट ब्राउन होने तक। अब हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम प्याज को भी यहाँ पर अच्छे से कुक कर लेंगे, ये ट्रांसपेरेंट जितना कुक हो जाना चाहिए। प्याज हमारा यहाँ पर बिल्कुल पक गया है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आप थोड़ा ज़्यादा ही डालें जिससे कि सब्ज़ी का कलर बिल्कुल ढाबे स्टाइल आएगा हमारा। अब हम डाल देंगे यहाँ पर 1 कप फेटा हुआ दही। दही यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा खट्टा या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं लिया है, ये मीडियम खट्टा है। और दही डालते समय आपको ध्यान रखना है, फ्लेम को आपको ऑफ कर देना है और इसे लगातार चलाते रहना है जिससे दही हमारा फटेगा नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दही डालने से ग्रेवी का कलर कितना ज़्यादा अच्छा आ गया है। अब हम सेम बाउल में 1/2 कप पानी लेंगे और उसमें डाल देंगे। अच्छे से मिला करके इसमें 1 उबाल आने देंगे। 2 से 3 मिनट तक उबलने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे और 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने बीच से काट लिया था और थोड़े से लंबे टुकड़ों में कटे हुए अदरक। इसे मिला करके इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। अब हम इसे ढक करके वापस से 5 से 7 मिनट तक के लिए पका लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो ही रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं सब्जी हमारा कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है और ये यकीन मानिए जितना बनाने में आसान है उतना ही ज़्यादा खाने में लाजवाब है। आप इसे पूड़ी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बहुत जल्दी फटाफट बन करके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें
और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।